अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय हुसैन रिहार, इसका कोड है नगमा। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने सो काफ़ी कस्टमाइज चेंजेस किए हैं और हम लोग कस्टमाइज स्टिचिंग करते हैं, क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे स्टिच करते हैं। तो काइंडली रिस्पेक्ट करें बिकॉज सबकी अपनी चॉइस है। तो हमने इसको जो है काफ़ी हमने स्टिच किया है इसको लार्ज साइज में। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, हमने इसको सबसे बड़ा चेंज ये किया कि हमने इसको फ्रंट ओपन नहीं बनाया। हमने एक्चुअली किसी की स्टिच फ्रंट ओपन वीडियो देखी थी और बस उससे दिल ही उठ गया। तो ये किया हमने कि इसको बिल्कुल शर्ट की तरीके से स्टिच किया, क्योंकि ड्रेस जो है वो इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जब मैंने अनबॉक्सिंग की भी वीडियो शेयर की थी तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी इसका कलर एंड इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं और गोल्ड का टच एंड हैंड वर्क, एवरी थिंग इज़ ब्यूटिफुल। तो इसलिए ये जो है फ्रंट ओपन, इनफैक्ट जब ये सेंटर से जुड़ा है तो इसका ये जो मोटिव है ये बिल्कुल इक्वल वन पार्ट लग रहा है। तो इसको जो है ये इसके बॉर्डर से जो कि स्लिट तक लगे हैं, देन इसका दामन का बॉर्डर है। जो हमारी क्लाइंट है उन्होंने कह दिया था कि कुछ भी नहीं लगाना, लेकिन फिर भी मैंने ये लेस थिन सी लगाई है स्लिट्स पे भी और दामन के ऊपर भी, और ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है। एंड विदाउट वीडियो देखे, पिक्चर देखते ही उनको जो है ये बहुत अच्छी भी लगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लेस मिल गई, मुझे एटलीस्ट अच्छी लग रही। इसके बाद हमने इसके अंदर कोई पिंक पाइपिंग नहीं लगाई बिकॉज उनको नहीं चाहिए थी और सबकी अपनी चॉइस है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ड्रेस ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, तो विदाउट पिंक पाइपिंग, विदाउट फ्रंट ओपन के भी ये जो है ये बहुत हसीन लग रहा है माशाल्लाह से। गला इसका जो है ऑलरेडी बहुत छोटा बना हुआ था, इसलिए इसके अंदर हमने कोई बीड्स नहीं लगाए, बैक से ओपनिंग रखी क्योंकि बहुत ही छोटा है। अगर हम इसको थोड़ा सा बस गर्दन चली जाएगी बिकॉज बैक से ओपनिंग है वो भी ना। और ये देखें, ये इसके अंदर जो है हमें पता है कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, ये एक जो है वो मोटिव लग रहा है। स्लीव्स के अंदर लाइनिंग लगाई है और स्लीव्स के एज पर, एंड स्लीव्स का जो बॉर्डर था उसके दो साइड पर लेस लगा दी हमने और फिर इसके साइड पर ट्रेसेस लगा दिए ताकि थोड़ा सा तो ये थोड़ा और लाइक फॉर्मल हो जाए। बाकी ये ड्रेस इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बैक से जो है इसकी ओपनिंग रखी है, इसका फैब्रिक शिफॉन की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एंड बैक पे भी पूरा बॉर्डर जो है ऊपर तक जा रहा है एंड दामन पर भी वैसे ही बॉर्डर एंड उसके बाद लेस और अंदर की साइड को सेम कलर का पलटा एंड एवरीथिंग सेम माशाल्लाह। उसके बाद है इसका दुपट्टा, दुपट्टे को भी यही किया कि किरण एंड गोटा लेसेस, और उसमें जो है ये जब मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बोला था कि ये बॉर्डर्स ऑलरेडी इतने खूबसूरत हैं, इसके अंदर काम को काट के गोल्ड लेस लगाने का कोई सेंस कोई तुक नहीं था और ना ही वो अच्छा लगता हमारा ये ख्याल है। तो हमने इसके अंदर कोई गोल्ड लेसेस नहीं लगाए बिकॉज ऑलरेडी इसके बॉर्डर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से दुपट्टे पर जो है उन्होंने किरण और गोल्ड लेसेस लगाई हुई थी, तो हमने वो सब कुछ नहीं चाहिए था हमारी क्लाइंट को, इसलिए हमने जस्ट इसका बॉर्डर लगा के लॉन्ग साइड पे बना हुआ था पल्लू का से बॉर्डर लगाया है एंड इसकी साइड पर भी वही लेस लगा के और अंदर की साइड को सेम कलर का पलटा लगा के तुरपाई कर दी है। एंड बिलीव मी, ये माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो मैंने शुरू में कहा कि सबकी चॉइस है उसको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक दो बार जो है किसी की कस्टमाइज चेंजेस जो हैं वो किसी और को नहीं अच्छी लगी तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए, उससे क्या होता है कि जिस बंदे का सूट हो उसका दिल ख़राब हो जाता है। और ज़ाहिर है सबकी अपनी चॉइस है, कई बार हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हम जिस तरह का पसंद करते हैं वो किसी और को नहीं अच्छा लग रहा हो, तो इसलिए इस तरह की बात ही ना करें कि कोई और हर्ट हो। ये हमारी वीडियोज़ के हवाले से नहीं है, हमारी वीडियोज़ में कोई मसला है तो ज़रूर बताएँ, लेकिन ये कि क्लाइंट जिनके कपड़े हैं उनके लिए कुछ कहना तो यू नो फिर, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस है। ओके, ये जो है इसका जो फैब्रिक है, इसका ढाका पजामा बना, ये तो जब चलेंगे तो ज़ाहिर है जितना फैब्रिक था वो सारा यूज़ कर लिया, जब चलेंगे तो ही ये खुलेगा, और क्रश था तो ये बस वैसे ही क्रश बना दिया। इसके अंदर भी लाइनिंग लगाई, अच्छा इसके एज पर भी कोई गोटा नहीं लगाया, जस्ट सिंपल पलटा लगा के प्लेन फैब्रिक का और तुरपाई कर दिया। तो ये ड्रेस ऑलरेडी, मैं ये बात आई थिंक चौथी या पांचवी बार कह रही हूँ कि ऑलरेडी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, तो विदाउट दीज हैंग
हैंगिंग्स और सारा कुछ इसके बावजूद और बगैर गोटे की लेसेस और सारा कुछ के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। बाकी आप सबको कैसे लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। एंड एक और चीज़, हाँ ये हमने हैंगिंग भी नहीं लगाई इसलिए कि लेस से ही इसको एज पे मतलब एंड कर दिया, तो वो हैंगिंग भी नहीं चाहिए थी उनको। सो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छा लगे। एंड वीडियो के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।